कैसा पढ़ाते हैं सर? सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? यस सर। हाँ बढ़िया पढ़ाई हो रही है, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा मैं दोस्तों में बताऊँगा कि बढ़िया पढ़ाई हो रही है, तुम भी यहीं पे जाओ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चा अपनी सहूलियत अनुसार सब्जेक्ट चुन सकता है। NIOS जो है हाई स्कूल और इंटर के ऑप्शंस देता है बच्चों को, और यहाँ से हाई स्कूल और इंटर हो सकता है। 8th पास हैं तो और 14 की उम्र कंप्लीट है तो वो सीधे हाई स्कूल का ऑप्शन उनके पास है कि वो सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर यहाँ पर हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो अपनी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर 12th में डायरेक्टली एडमिशन लेकर के अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के कैरियर प्लस इंस्टीट्यूट पर और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सर। आपको बता दें आप लोग NIOS के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों का यही डाउट क्लियर होगा कि ये NIOS है क्या और इसमें एडमिशन लेने के बाद आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो संदीप सर हैं, बाकी की जानकारी देंगे। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं सर? अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, मुझे तो पता है कि NIOS क्या है, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी ऑडियंस हैं, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको तो पता होता है आसपास के जो उनके स्कूल हैं बस यही स्कूल हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ से भी वो स्टडी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए NIOS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बोर्ड्स उनके चल रहे हैं, जिस तरह से CBSE बोर्ड चल रहा है, ICSE बोर्ड चल रहा है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड चल रहे हैं। जैसे हम अगर अपने यूपी की बात करें, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है उत्तराखंड में, राजस्थान बोर्ड है, और अगर सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहे हैं तो CBSE और ICSE बोर्ड है। तो उसी की तरह देश का तीसरा राष्ट्रीय बोर्ड जो है वो एक NIOS है। अच्छा। फुल फॉर्म है NIOS की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान इसको बोलते हैं। अच्छा। NIOS बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी कारण रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कारण अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपना 10th या 12th CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से या अन्य किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो वो NIOS को ज्वाइन करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आपने बात की CBSE बोर्ड की, तो अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पास हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे पास हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो निराश हैं। तो उनके लिए NIOS क्या कर रहा है? देखिए उनके लिए NIOS ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर सपोज कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा था और उसका जो रिजल्ट आया अभी और वो क्लियर नहीं कर पाया, तो NIOS ने उनके लिए तुरंत एग्जाम्स के भी ऑप्शंस दे रखे हैं। जिस तरह से NIOS अब ऑन डिमांड एग्जाम्स भी तमाम जगहों पर करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे बरेली में भी अब ऑन डिमांड एग्जाम होने लगा है, जो कि परीक्षा केंद्र उसका KV No. 2 को बनाया गया है, जो कि हमारे बरेली कैंट में है, तो एग्ज़ाम सेंटर वहाँ बना हुआ है। तो बच्चे तुरंत उसको ऑप्ट करके ऑन डिमांड एग्ज़ाम को, और तुरंत ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर अपना कीमती साल को बचा सकते हैं। अच्छा जी। और बाकी अक्टूबर का भी ऑप्शन है, अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं कुछ समय लूँ, 2-3 महीने का समय लेकर के एग्ज़ाम देना चाहूँ, तो वो लोग अक्टूबर का एग्ज़ाम भी चुन करके और 2-3 महीने अच्छे से पढ़कर, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं उन बच्चों को, तो उस तरह से भी वो अक्टूबर में एग्ज़ाम दे करके अपना साल बचा सकते हैं। अच्छा। तो जैसे आमतौर पर देखा गया जो आसपास के स्कूल हैं, मतलब सेम वही पढ़ाई होती है या सेम वही चीज़ें हैं, कुछ अलग है ये? देखिए NIOS जो है सेम लगभग वही है, लेकिन हाँ उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर CBSE की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट 10th में मैंडेटरी किए हुए हैं, जैसे कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा अपनी सहूलियत अनुसार सब्जेक्ट चुन सकता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो हाई स्कूल और इंटर ही करेगा यहाँ से? जी हाँ, NIOS जो है हाई स्कूल और इंटर के ऑप्शंस देता है बच्चों को, और यहाँ से हाई स्कूल और इंटर हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए मैंने हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद मैंने गैप ले लिया, जी अब मुझे पढ़ना है, जी जी जी, तो मुझे फिर इंटर में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? या मैंने हाई स्कूल ही नहीं किया है जी, जी, और जी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जी जी, तो जी, क्या ऑप्शन है? देखिए अगर कोई बच्चा यहाँ से किसी कारण, उस बच्चे का 8th तक वो पढ़ पाया है ना, और उम्र उसकी 14 साल की कंप्लीट है ना, और किसी कारण नहीं पढ़ पा रहा है, किसी के यहाँ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, किसी को अपना काम संभालना पड़ता है ना, तो वो लोग यहाँ से अगर वो सपोज़ 8th पास हैं तो और 14 की उम्र कंप्लीट है, तो वो सीधे हाई स्कूल का ऑप्शन उनके पास है। अच्छा। है ना, वो हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और अब तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और बोर्ड द्वारा, कि वो सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर यहाँ पर हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर वो हाई स्कूल पास हैं बट कभी वो 12th कंटिन्यू नहीं कर पाए वो अपना, तो अपनी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर 12th में डायरेक्टली एडमिशन लेकर के अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? सेक्शन वैश। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ से? 10th। 10th कर रहे हैं, तो कैसा पढ़ा रहे हैं सर? बढ़िया पढ़ा रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो NIOS के बारे में सुना था क्या? हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, और कुछ मेरे कजन पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था, तो मैं यहाँ पे आ गया फिर बाद में। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो कैसा लगा? यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे बढ़िया है सब।
अच्छी पढ़ाई हो रही है? हाँ, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं दोस्तों में बताऊंगा कि बढ़िया पढ़ाई हो रही है, तुम भी यहीं पे जाओ। नाम बताइए। सर पीयूष यादव। पीयूष जी, क्या कर रहे हो यहाँ से? हाई स्कूल कर रहे हो या इंटर कर रहे हो? सर इंटर। इंटर कर रहे हो, ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ पर एडमिशन लेकर? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम। यस सर। हाई स्कूल कहाँ से किया था? सर हाई स्कूल APS बरेली से किया था। APS बरेली से किया था। कितना टाइम हो गया यहाँ एडमिशन लिए? सर अभी तो बस 3 to 4 months। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। संगीता सिंह। क्या कर रही हैं यहाँ से? ह्यूमैनिटीज। ठीक है। ट्वेल्थ कर रही हैं या हाई स्कूल? ट्वेल्थ। ट्वेल्थ कर रही हैं, अच्छा ठीक है। किसी ने कहा था NIOS के बारे में? सुना था, पढ़ा था, कैसे पता? हाँ, फ्रेंड्स ने बताया था NIOS के बारे में। ठीक है, फिर आपने एडमिशन लिया। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सौरभ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कहीं, ठीक है, और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ये बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो अपना वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुक्त विद्यालय है, तो रेगुलर क्लासेस का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, और उनका जो कार्य पर जाने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो साथ ही साथ काउंट किया जाएगा। अच्छा, अब मान के चलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ से उन्होंने मार्कशीट ले ली, स्टडी की है, अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग हैं पढ़ाई भी करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ये उन बच्चों के लिए, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ही नीट या IIT के लिए जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है कि वो यहाँ से इनरोल करें और बाकी अपनी तैयारी जो विभिन्न कोचिंग संस्थान करा रहे हैं वहाँ से वो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही किफ़ायती, मतलब आर्थिक रूप से उनके ऊपर बोझ नहीं आएगा उनके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल कोचिंग संस्थानों की फ़ीस तो आप भी जानते हैं कि बहुत है, तो उनके पास ऊपर स्कूल का बोझ कम हो सकता है इसके माध्यम से, और क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है। मेरा एक दोस्त है जी, हाई स्कूल उसने पास किया, ठीक है, हाई स्कूल करने के बाद वो फौज में चला गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन रुका हुआ है, क्योंकि वो इंटर करा हुआ होता तो उसका प्रमोशन हो जाता, उसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में ग्रोथ हो, ठीक है, लेकिन उनके सामने स्थिति ऐसी आई कि उनको जॉब की ऑप्शन मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, उन्होंने जरूर ली होगी, ठीक है। लेकिन NIOS इसलिए भी स्टार्ट किया गया कि लोगों की जो ग्रोथ है, अगर लोगों की मान लीजिए पढ़ाई इस वजह से छूट गई कि उन्होंने जॉब की, तो वो NIOS से अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट के बेसिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, 12th में एडमिशन लिया जा सकता है, तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, जो वो सेवाएं दे रहे हैं हमारे देश के लिए, जिस वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, है ना, तो वो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ साथ अपने जीवन की ग्रोथ को पढ़ाई के माध्यम से, NIOS के माध्यम से 12th करके उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो फौज की बात होगी, अगर वो व्यक्ति किसी भी जॉब में है, मतलब कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए भी यही ऑप्शन है? बिल्कुल, वो रेगुलर अपने जो भी जॉब कर रहे हैं वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, और पढ़ाई NIOS के माध्यम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, आपके पास में कितनी सीटें हैं, कैसे एडमिशन स्टूडेंट को लेना है? देखिए, जो हम लोगों का स्टडी सेंटर है, अभी फिलहाल हमारे पास 150 सीट्स हैं, ठीक है, और उम्मीद है कि आगे वो बढ़ जाएंगी जैसे जैसे स्ट्रेंथ हमारे पास बनती रहेगी, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 10th के लिए आधार कार्ड के बेसिस पर एडमिशन लिया जा सकता है, या 12th के लिए आधार कार्ड और उनकी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर एडमिशन लिया सकता है, तो मिनिमम फीस है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके बच्चे अपने 10th या 12th के लिए यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। कब तक एडमिशन होना है? देखिए, एडमिशन तो थ्रू आउट अ ईयर स्टार्ट रहता है, यहाँ पर चलता रहता है, साल में 2 बार परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं बोर्ड द्वारा, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर के एडमिशन चल रहे होते हैं, जब ये बंद होते हैं तो अप्रैल के स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर हम छोटे तौर पर कहें तो पूरे साल एडमिशन होते हैं यहाँ पर। अच्छा। बस ये है कि एग्ज़ाम अलग अलग समयों पर होते रहते हैं, जब एडमिशन अप्रैल के लिए चल रहे होते हैं तो अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे ही वो बंद होते हैं अक्टूबर के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जी, हाँ, मान के चलिए कोई नहीं आ पा रहा है यहाँ स्टडी करने के लिए, तो वो तो मैसेज चला जाएगा, कॉल चली जाएगी कि आपको ये एग्ज़ाम देना है इस टाइम में, यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा उन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस रहते हैं, समय समय पर यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो यहाँ से टाइम टू टाइम कॉल्स जाती रहती हैं कि कब कब उनको क्या क्या करना है। अच्छा, जी जी। वो कितना रन हो टाइम हो गया मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट? देखिए, इंस्टीट्यूट हम लोग 2007 से यहाँ रन कर रहे हैं, पहले जो कि था वो दूसरे स्पेस पर था, अब हम लोग रामपुर 2018 से तो रामपुर गार्डन में ही है। अच्छा। रामपुर गार्डन में, जी हाँ, अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कोई मार्कशीट है किसी बच्चे के पास, कैसी मार्कशीट होती है? देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मार्कशीट है रखी हुई है मेरे पास, जो कि क्लास 12th की मार्कशीट है, इस तरह की क्लास 12th की मार्कशीट होती है NIOS बोर्ड की, जो कि हर स्तर पर मान्य होती है, ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, माइग्रेशन भी मिलता है, TC भी मिलती है,
तो अच्छा ऑप्शन है, अच्छा है कि बच्चा अपने जीवन में जो है अगर मान लीजिए किसी कारण चीज़ें रुक गई हैं तो वो एज इट फिर से कंटिन्यू कर सकता है। मैंने इंटर कर लिया, इंटर के बाद में मैं किसी भी संस्थान से एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं से भी, आप जो भी करना चाहें, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जॉब भी बिल्कुल, जॉब भी कर सकते हो आप, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हो, हर स्तर पर मान्य बोर्ड है। अच्छा जी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि NIOS क्या है और यहाँ पर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की जानकारी अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पर हमने एक नंबर मेंशन कर दिया है सर का, आप सर को कॉल करिए और फुली जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर एडमिशन कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।